इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट की जमीन पर बनी मस्जिद गिराने का आदेश दिया है, जिसके अंतर्गत 3 महीने के अंदर मस्जिद हट जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा पुलिस बल लगाकर जमीन को कब्जे में ले लिया जाएगा। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर मस्जिद बनाई गई है, जिसे हटाने के लिए पिछले साल एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने पहले ही सख्त रुख अख्तियार कर लिया था और जिला प्रशासन को फटकार भी लगाई थी। मामले में उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे आज सुनाते हुए हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। मस्जिद अवैध रूप से हाई कोर्ट की जमीन पर ही बनाई गई है। 3 माह के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड व मस्जिद की प्रबंध समिति यहां से मस्जिद हटाए, मस्जिद का दूसरी जगह निर्माण भी किया जा सकता है। इसके लिए बोर्ड डीएम को अर्जी दें, जिस पर जिलाधिकारी 8 सप्ताह में निर्णय ले लें। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपने फैसले के दौरान ये भी साफ किया कि भविष्य में हाई कोर्ट की जमीन पर पूजा या नमाज पढ़ने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। स्पेशल डेस्क जनमत न्यूज़ लखनऊ।